पंजाब विच कानूनी व्यवस्था वध तों बदतर हुंदी नज़र आ रही है अते लगातार अपराधिक मामले वधदे जा रहे हन। ताज़ा मामला है अमृतसर के सुंदर नगर का, जिथे एक कपड़े की दुकान से कपड़ा खरीदन आए तीन नौजवानों वालों कपड़े खरीदन तो बाद पैसे ना दिंदिया गोलियां चला दी गई। दूजे पासे गल की जाए तो पुलिस मौके पर पहुँच के सीसीटीवी फुटेज के रास्ते दोषियों तक पहुँचने की गल भी आख रही है। आस पास के गुआढ़ी दुकानदारा ने दसिया कि उन्होंने गोली चलन की आवाज़ जरूर सुनाई दिती सी, पर उन्होंने इंज लग्या कि शायद त्यौहारों के सीजन में किसी बच्चे वालों पटाका चलाया गया हो। दूसरे पासे मौके पर पहुंच के पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। कहा जा रहा है कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। साढ़े को लेडीज कस्टमर खलोते थे तो आवाज़ मैं सिर्फ आवाज़ सुनी, जिदा मैं सोचा भी चलो जिदा कोई पटाके चला बच्चा या नरात्या करके कोई फायर फूर करते बच्चे या पटाके वगैरह चलाते आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। उदा इन्नी की गल सुन के लेडीज कस्टमर भी डर गई, उन्होंने क्या उदा ही पटाके चलते होने कितने करके जो कस्टमर बाहर गया उन्होंने हट गए तो उस बाद पता लगा भी इतने तो आह काम हो गया। जब देखा तो मैंने कहना फायर चलिया उत्ते, मैं आवाज़ जरूर सुनी सी पर यह नहीं मैंने पता उन्होंने फायर दी कि आवाज़ सुनी थी कई सारे ने आवाज़ मैं भी सुनी इधर नाल एक होर फौजी साहब उन्हें भी सुनी कस्टमर भी डर गया तेरी आवाज़ सुन के आवाज़ काफ़ी तेज है। किसी वो आए ने जिस तरह आप सुने वा क्योंकि जो चीज़ आप जिनी कि तुम दसी ना बाइट उन्ना क मैं रिलाइज किया। वो कहते भी साड़ी दुकान पर आए आके 8-9 हज़ार रुपये के कपड़े कटाए, कटा के दो बंद बाहर भेजता या एक भेजता या दो भेजता, एक बंदा अंदर है कहना मैं कर लैंना, उन्हें रिवॉल्वर कढ़ ली, रिवॉल्वर कढ़न तो बाद जिदा वो निकल गए। बाइक तो सुनिया कहते बाइक तो है, मैं कन्फर्म नहीं है मैं क्योंकि अपने को लेडीज कस्टमर हों आप डील अंदर ही करते पे अपना ध्यान ही नहीं इतों तक हों भी कोई बाहर की करता पा। हाँ सामने आमने सामने दुकान है कोई ज़्यादा दूर नहीं है और फायर जिते कहते हो तो कोर्नर से वो लास्ट से चौंक से अगले चौंक से तो अभी वेख्या भी जाके भी चलो कोई खोल वगैरह मिलता पर खोल मिले नहीं देखे नहीं भजते मैं नहीं देखा किसी ने अभी सिर्फ साउंड ही आखिर फायर का साउंड सुने नहीं नहीं ऐसी कोई मैं सगो कहना मैं क्या तू रौला पाना चाहिए तेन रौला पाँगा कुछ करता चलो आले दुआले पता लगता उन्हें कुछ बोलिया नहीं। 4:45 वैलस मैसेज आया भी सुंदर नगर तो मुंडे तीन मुंडे आए आते दुकान के उत्तों कपड़े कुपड़े जोड़े वो लै गए जबरदस्ती वो को तहकीकात कर रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं अभी मौके पर पहुंचे हाँ ठीक है जी। उत्थे वेख्या वो मुंडा दसदा भी तीन जने आए दुकान के मूँह बदे ही दोवे तो एक आ गए तो मुड़ के बाहर चला गया दो जने दुकान च रहे जो उन्होंने समान सारा खरीद लिया तो मुड़ के उन्होंने जो बिल बना के उन्हें पैसे मंगे आ तो एक जना समान लैके बाहर आ गया तो एक ने जरा कहता भी मैनू कोई चीज़ विखाई आ तो मुड़ के मैं थले बह गया तो मुड़ के जो दुकान से समान लैके तो भज गया तो कल सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जो भी दोषी है जल्दी जल्दी उन्होंने ट्रेस करके रजिस्टर किया जाएगा। गोली बारे तस्दीक कर रहे हैं वो बारे अजे तक तस्दीक नहीं होया जो गोली चलने की गल सामने आई तो जरूर बनती कानूनी कार्रवाई जी चलती जाऊ। सर साहब आए सी तो आप कर रहे हैं सारी तफ्तीश कर रहे हैं जो भी अजय डे सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं खंगार रहे हैं दोषियों बारे लै रहे हैं सारा सुराग लग रहे लभ रहे हैं जल्दी जो दोषी ट्रेस करके गिरफ्तार किया जाएगा। अमृतसर तो सुनील खोसला की रिपोर्ट।